हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वैम्पायर डायरी सीरीज के कैरेक्टर्स के रियल नेम, उनके पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैम्पायर डायरीज एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर रोमांस टेलीविजन सीरीज है और यह आपको नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम में मिल जाएगा। यह सीरीज़ को हाल ही में बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल फेम मिली है और इसका असली कारण है इनके कैरेक्टर्स के ऊपर। तो हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे इनके कैरेक्टर्स के आपको असली नाम और इनके लाइफस्टाइल के ऊपर, और ये क्यों इतने अट्रैक्टिव है जिसके वजह से यह सीरीज़ इतना फेमस हुआ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस सीरीज़ के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीमेल कैरेक्टर्स के साथ, जो कि है एलिना गिलबर्ट। एलिना का रोल प्ले किया है नीना डोब्रेव ने, जो कि एक कैनेडियन एक्ट्रेस और मॉडल है। नीना का जन्म January 9, 1989 बुल्गारिया में हुआ था। फिर वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। नीना फिलहाल अनमैरिड है और ऐसा माना जाता है कि वैम्पायर डायरीज के शूट के दौरान नीना डेमन सॉल्वेटोर यानी कि इयान सैमुअल होल्डर के साथ रिलेशनशिप में थी। सोर्सेस से यह पता चलता है कि नीना हर एपिसोड का करीब $30,000 चार्ज करती है और इनका नेटवर्थ सालाना $6 मिलियन है। तो ये था वीडियो दोस्तों एलिना के ऊपर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, जो है डेमन सेल्वेटोर। डेमन का रोल प्ले किया है इयान सैमुअल होल्डर ने। इनका जन्म December 8, 1978 लुइजियाना यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इयान निकी रीड नामक एक एक्ट्रेस के साथ मैरिड है और इनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम है बोधी और सोलेल। इनका 2009 के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड नेटवर्थ $8 मिलियन है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने तीसरे कैरेक्टर की ओर, जो कि है स्टेफन सेल्वेटोर। जी हाँ, स्टेफन सेल्वेटोर, जो कि सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मेल कैरेक्टर्स है और जिनके बहुत ही ज़्यादा फीमेल फैंस हैं। स्टेफन का रोल प्ले किया है पॉल वेस्ली ने। इनका जन्म July 23, 1982 न्यू जर्सी के यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ये एक अमेरिकन एक्टर, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। पॉल 2007 में टोरे डेविटो नाम की एक एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे और 2011 अप्रैल में न्यूयॉर्क में उन्होंने इनके साथ शादी कर ली थी। 2013 दिसंबर में उनका डिवोर्स भी हो गया था। अब 2019 में उन्होंने इनेस डे कैमोन नाम की एक्ट्रेस से शादी कर ली। नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब कैरोलाइन फॉर्ब्स की। जी हाँ, कैरोलाइन फॉर्ब्स का रोल प्ले किया है कैंडिस किंग ने। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस और साथ ही सिंगर और एक सॉन्ग राइटर भी है। 2014 के अक्टूबर में उन्होंने एक म्यूजिशियन जो किंग के साथ न्यू ऑर्लीन्स में शादी कर ली थी। January 15, 2016 में उनके बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने फ्लोरेंस में रखा था। सो दैट्स ऑल गाइस, ये थे कुछ वैम्पायर डायरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।